और खबर पटना से, नाबालिग लड़की से हुआ गैंगरेप। लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़िता के अस्पताल में इलाज के लिए जाने के बाद हुआ खुलासा। आरोपियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ में जुटी है पुलिस। राजीव नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप का ये मामला सामने आया है। लड़की को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पटना से खबर, नाबालिग लड़की से गैंगरेप की यह घटना हुई है। लड़की को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं अस्पताल में इलाज के लिए जाने के बाद इसका खुलासा हुआ है। राजीव नगर थाना को शास्त्री नगर थाना के माध्यम से एक सूचना मिली कि शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग पीड़िता है, जिनके साथ पाटलिपुत्र हृदय, जो राजीव नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां एक अपार्टमेंट में बलात्कार हो की घटना घटी है। घटना की सूचना के बाद राजीव नगर थाना द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा गया और जो थाना द्वारा प्रारंभिक जांच किया गया, जो प्रारंभिक जांच में बातें आई हैं कि जो पीड़िता है वो शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और पीड़िता की मां के द्वारा ही कुछ अन्य लोगों के सहयोग से पीड़िता को भेजा गया था पाटलिपुत्र हेरिटेज अपार्टमेंट में, जहां पे बलात्कार के दौरान उनको कुछ जख्म हुआ और जिस दौरान उनको ले जाकर के अस्पताल में भर्ती किया गया। अभी पीड़िता PMCH में इलाजरत है। इस कांड में अभी जो प्रारंभिक जांच में जिनकी भी संलिप्तता आई है, उसमें कुछ लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम आ गई है और आगे पीड़िता का बयान लेने का प्रयास किया जा रहा है। आगे जो भी बातें और आएंगी वो आगे बताया जाएगा। और खबर पटना से, नाबालिग लड़की से हुआ गैंगरेप। लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़िता के अस्पताल में इलाज के लिए जाने के बाद हुआ खुलासा। आरोपियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ में जुटी है पुलिस। राजीव नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप का ये मामला सामने आया है। लड़की को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पटना से खबर, नाबालिग लड़की से गैंगरेप की यह घटना हुई है। लड़की को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं अस्पताल में इलाज के लिए जाने के बाद इसका खुलासा हुआ है। राजीव नगर थाना को शास्त्री नगर थाना के माध्यम से एक सूचना मिली कि शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग पीड़िता है, जिनके साथ पाटलिपुत्र हृदय, जो राजीव नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां एक अपार्टमेंट में बलात्कार हो की घटना घटी है। घटना की सूचना के बाद राजीव नगर थाना द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा गया और जो थाना द्वारा प्रारंभिक जांच किया गया, जो प्रारंभिक जांच में बातें आई हैं कि जो पीड़िता है वो शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और पीड़िता की मां के द्वारा ही कुछ अन्य लोगों के सहयोग से पीड़िता को भेजा गया था पाटलिपुत्र हेरिटेज अपार्टमेंट में, जहां पे बलात्कार के दौरान उनको कुछ जख्म हुआ और जिस दौरान उनको ले जाकर के अस्पताल में भर्ती किया गया। अभी पीड़िता PMCH में इलाजरत है। इस कांड में अभी जो प्रारंभिक जांच में जिनकी भी संलिप्तता आई है, उसमें कुछ लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम आ गई है और आगे पीड़िता का बयान लेने का प्रयास किया जा रहा है। आगे जो भी बातें और आएंगी वो आगे बताया जाएगा।